नमस्कार। इस समय जिस व्यक्ति को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम शेजरिंग डोरजे है। ये आज से पहले यानी कि कल शाम से पहले भाजपा भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के प्रेसिडेंट थे। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने कल ही जो नेशनल सेक्रेटरी नेशनल प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा साहब, उनको रेजिग्नेशन अपना सौंप दिया है और एक खत के जरिए अपनी रिजेंटमेंट जारी की है कि किस तरह से हमारी बात नहीं सुनी जा रही, लेह और करगिल को लगातार इग्नोर किया जा रहा है, जिसको देखते हुए ये मैंने एक बड़ा फैसला लिया है। पूरे लेटर में इन्होंने क्या कुछ लिखा, मैं आपको, इन्होंने क्योंकि इंग्लिश में लिखा है, साथ साथ मैं संवाद करते बताता जाऊँगा कि क्या कुछ मुझे समझ आ रहा है जो इन्होंने इस लेटर में लिखा है, क्योंकि हमारी बात भी इनसे हुई है। हालांकि इन्होंने ऑफिशियल तौर पर सामने से अभी मना किया है। हाय, जैसे इन्होंने साफ तौर पर लीज फॉर प्रेस, श्री जेपी नड्डा साहब, जेपी नड्डा, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, न्यू दिल्ली। सर, आई हियर बाय सबमिट माय रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बीजेपी यूटी लद्दाख एंड द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ बीजेपी इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अटर फेलियर ऑफ बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख इन इवैक्यूएटिंग पैसेंजर्स, पेशेंट्स, पिलग्रिम्स एंड स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस थ्रू आउट इंडिया। यानी कि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं अपनी प्रेसिडेंट ऑफ, जो मेरे पास यूटी ऑफ लद्दाख की जो पोस्ट है बीजेपी की, और साथ ही साथ मेरे पास जो मेंबरशिप है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की बीजेपी की, मैं उससे रिज़ाइन देता हूं। उसका कारण इन्होंने बताया सबसे पहले कि जो पेशेंट्स, पैसेंजर्स, पिलग्रिम्स और स्टूडेंट जो बाहरी देश, बाहरी इलाकों में जम्मू कश्मीर से, माफ़ कीजिएगा, लद्दाख से दूसरे स्टेट्स में गए हुए, यूनियन टेरिटरीज में गए हुए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो या बाकी सब इलाके हो, वहाँ से अभी तक इन सबको वापस नहीं लाया गया है। पूरी तरह से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई है, जिसको देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। अब आगे क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। The UT administration is utterly insensitive and callous about the pathetic condition of our stranded people. इन्होंने साफ तौर पर एलिगेशन लगाया कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो लद्दाख की है, वो पूरी तरह से इनसेंसिटिव है हमारे जितने भी लोग जो बाहर हैं, जो स्ट्रैंडेड पेशेंट्स हैं या पीपल हैं, यानी कि बाहरी इलाकों में, बाहरी स्टेट्स में, बाहरी यूनियन टेरिटरीज में जो लोग फंसे हुए हैं, उनकी कंडीशन की हालात उनको नहीं समझ आ रहा, वो पूरी तरह से इनसेंसिटिव हैं। उसको भी हमने ये देखा है कि वो पूरी तरह से ऐसा कर रही है। और साथ ही साथ एक बड़ा रीज़न जो इसमें दिया है, द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रेंडर्ड ऑटोनोमस Hill Council of Leh and Kargil completely ineffective by not allowing them to function as per the Council Act. आपको जैसे पता ही है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ये LAHDC, ले और करगिल, ये दोनों अलग अलग दो काउंसिल्स हैं, जो कि ये सुनिश्चित करती है कि पूरी ऑटोनोमस बॉडीज ले में और करगिल में काम करती रहें। पर शिजरिंग डोरजे के इस लेटर में साफ तौर पर एलिगेशन लगाए गए हैं कि किस तरह से उस LAHDC को और KAHDC को, लद्दाख ले हिल डेवलपमेंट काउंसिल और करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल को, उनके एक्ट के हिसाब से काम करने नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरह से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने वहां पर अपनी बात मनवाने में लगी है, जिसको देखते हुए मैंने ये बड़ा फैसला लिया है। साथ ही साथ आगे क्या लिखते हैं, द पीपल ऑफ लद्दाख हैव सेक्रीफाइज्ड अ लॉट टू अचीव द ऑटोनोमस स्टेटस फॉर द टू डिस्ट्रिक्ट्स। ये साफ तौर पर ये बिल्कुल सही बात है जो इन्होंने कही कि ऑटोनोमस स्टेटस लेने के लिए लद्दाख और करगिल, ले और करगिल के लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, इसके लिए काफी लड़ा है। साथ ही साथ इन्होंने कहा, आई हैव एक्सप्रेस्ड माई डाउट्स अबाउट दीज प्रॉब्लम्स वेल इन द टाइम टू द पार्टी हाईकमांड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन्होंने कहा कि मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी हाईकमांड तक ये सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं, पर अभी तक उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। आई एम पेंट टू सी द पेट्रियोटिक पीपल ऑफ लद्दाख हु हैव स्टूड विद अवर आर्म्ड फोर्सेज इन ऑल द वॉर्स फॉट बाय अवर नेशन सिंस 1948 आर ट्रीटेड सो शेबिली एंड विद डिसरिस्पेक्ट बाय द यूडी एडमिनिस्ट्रेशन। सिंसेरली योर्स, शिजरिंग डोरजे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे आज दुख होता है कि किस तरह से 1948 से लेकर अभी तक हम हर एक जंग में अपने आर्म फोर्सेस के साथ रहे हैं, हर जंग में हमने लड़ाई लड़ी, हमने शहादत तक दी, पर अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से ले और करगिल के लोगों को ट्रीट कर रही है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसको देखते हुए इन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। शिजरिंग डोरजे लगातार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी में, लद्दाख यूटी में बीजेपी
की तरफ से लगातार कार्यरत थे, वहाँ पर काम कर रहे थे, प्रेसिडेंट थे, और उनकी पहले भी ये डिमांड रही कि क्यों हमें ऐसा किया जा रहा है कि पहले भी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के एक ही प्रेसिडेंट थे काफ़ी समय लंबे समय तक, उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाए कि किस तरह से साफ तौर पर ये देखा गया कि लद्दाख को बार बार इग्नोर किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जो है वो यूटी ऑफ लद्दाख के जितने भी बाशिंदे हैं उनका ख्याल नहीं रख रही है, जिसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि इस फैसले पर अब सेंटर क्या इस पर फैसला लेता है, सेंटर इस पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देता है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। पर जब भी कोई अपडेट इस पर आएगा हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, पर ज़रूरी है इस पर बातचीत करना क्योंकि लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का एक अभिन्न अंग था और रहेगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। हालांकि उनकी जो मांग थी यूटी उनको मिल चुकी है, हमारी यूटी की मांग तो कभी रही नहीं, पर हम भी यूटी हैं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही था, आगे जो भी इससे जुड़ा कोई अपडेट आएगा तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। मुझे और मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।